Assalamualaikum alaikum dear friends hope you're doing well myself Zainul Labdin, and today we'll be talking about an informal email how do we compose it how do we write it and in this video may tamam abfi confusion most of the time students have a lot of confusion body body megalike or so conclude it so in this video uh, i'll be addressing all these questions and all these problems so inshallah the life becomes uh, easier for you after it so एज एन ई मार्कर एज एन एग्जामिनर जो कि मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है काफ़ी सारे बोर्ड्स में जाके मैंने कापीज़ चेक की हैं सो so, आगा खान बोर्ड में और ओ लेवल्स में भी अगर आप देखेंगे सो so, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका हमें ख्याल रखना पड़ता है सो एट दी एंड ऑफ दिस वीडियो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैंने इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे से एक्सप्रेशन फ्रेजल वर्ब्स और बहुत सारी Uh, बहुत अच्छी एक वोकेबलरीरी बैंक एंड लैंग्वेज बैंक मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन की है जो कि आपको तकरीबन हर किस्म की प्रॉब्लम के साथ काम आएगी और इस वीडियो लेसन में मैंने एक पूरा ईमेल आपको कंपोज करके बताया है स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा सो दैट यू अंडरस्टैंड इट क्वाइट वेल और एग्जामिनेशन में आप उन चीज़ों का ख्याल रखें ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें सो लेट्स बिगिन विद द ईमेल ईमेल क्या है ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है एक इलेक्ट्रॉनिक वे ऑफ़ कम्युनिकेशन है अब इनफॉर्मल की आज हम बात करेंगे तो जैसे कि आपको मालूम है कि इनफॉर्मल ईमेल में मोस्टली uh, हम इनफॉर्मल वे ऑफ राइटिंग हम रखते हैं अपने दोस्तों के साथ कलीग्स के साथ अपने रिश्तेदारों के साथ विद अर रेलिटि विद द पीपल विद आर फॉल्स विद समी हु आर इन अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट विद विद कॉलीग्स एंड ऑल ऑल ऑफ दिज पीपल सो लाइक वाइज अगर हम देख अगर हम बात करें ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स की या ए के के एग्ज़ाम्स की या मुख्तफ एग्ज़ाम्स uh, की तो हमारे पास इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कुछ एक क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ फिर मैं उसका बताऊँगा कि हम किस तरह से इनफॉर्मल लेटर की बात करते हैं सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ इट द क्वेश्चन द क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है लिखा है अ फ्रेंड हैज़ रिसेंटली मूव टू योर एरिया आपका एक दोस्त है जो कि आपके एरिया में आ गया है रहने के लिए He has a limited budget. उसके बाद बजट बहुत कम है He wants some advices about eating out. और वो चाहता है कि आप उसे मशवरा दें एडवाइज दें ताकि वो एक बेहतर तरीके से अपने बजट को मैनेज करते हुए खाना पीना शुरू करें खाना पीना मतलब कर सके अपने एरिया में सो so, इसी तरह के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं लेकिन द वेरी फर्स्ट थिंग इज के आपने और किन चीज़ों का ख्याल रखना है द वेरी फर्स्ट थिंग इज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को बेहतर तरीके से अगर आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं होता है आई थिंक दैट फिर काफी मसला हो जाएगा आपको और आप बेहतर तरीके से उसको कंपोज भी ना कर सकें मोस्टली बिकॉज इट इज यू नो ग्रेटली बिलीव दैट अगर क्वेश्चन आपको अच्छा समझ आता है तो आप अच्छा लिखते हैं नहीं समझ आता तो शायद आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाए और आपकी डिडक्शन हो सकती है मार्क्स में सो so, सबसे पहले तो इसमें ये तीन चीजों का आपसे तकाजा कर रहा है इट इज आस्किंग यू इट इज डिमांडिंग यू डिस्क्राइब एक्सप्लेन एंड रिकमेंड द प्लेसेस फाइन अब आपने डिस्क्राइब भी करना है प्लेसेस के बारे में एक्सप्लेन भी करना है डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन दोनों डिफरेंट चीज है ठीक है डिस्क्राइब में वी से वॉट हम आंसर देते हैं डिस्क्राइब में वॉट क्या और एक्सप्लेन में हम बताते हैं हाउ uh, या वाई ठीक है हम रीज़निंग देते हैं एक्सप्लेन करते हैं मज़ीद उसके बारे में डिटेल देते हैं और रिकमेंडेशन भी देनी है कि क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए लाइक वाइज वी हैव सम अदर क्वेश्चन जैसे कि आ, आपका फ्रेंड है या आपका कज़न है जो कि अपनी स्टडी से दूर हो गया है या राइटिंग में स्ट्रगल कर रहा है या रीडिंग स्किल में स्ट्रगल कर रहा है आप उसको कुछ सजेशन्स दें ताकि वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके और भी कुछ तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप को अपने फ्रेंड्स को या अपने भाई को सलाह देनी होती है मशवरा देना होता है या बर्थडे पार्टीज पे इनवाइट करने के लिए आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि जो एग्जामिनेशन है एग्जामिनेशन में इस तरह की सिचुएशन दी होती है आपको और इस सिचुएशन के साथ बुलेट पॉइंट्स में आपसे आपको गाइडेंस के तौर पर आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स दिए होते हैं जिनका आपने ख्याल रखना होता है और उन्हें एड्रेस करना होता है कीपिंग इन व्यू द पैराग्राफ्स और बॉडी उसकी कैसे बनानी है अच्छा चूंकि ये इनफॉर्मल ई मेल है फॉर्मल से डिफरेंट है फॉर्मल ई मेल हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि मैंने एक वीडियो लेसन रिकॉर्ड किया है कवरिंग लेटर पर कवरिंग लेटर वो एक अलग वीडियो है वो आप देख सकते हैं उसमें मैंने सारा फॉर्मल का तरीका बताया कि फॉर्मल लेटर आपका कैसे होना चाहिए लेकिन इन स्पेसिफिक चौकिंग अबाउट एन इनफॉर्मल ई मेल इन दिस अब इनफॉर्मल ई मेल आपकी वही फ्रेंड्स uh, uh, आपके कलीग्स एंड ऑल दैट अब इसमें आपके पास किस चीज की इजाजत है आप क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप यहां पर इमोटिकॉन्स दे सकते हैं या एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी दे सकते हैं जो चीजें आप फॉर्मल uh, राइटिंग में नहीं इस्तेमाल करते फॉर एग्जाम्पल इमोटिकॉन्स ये होते हैं ये स्माइलीज और इस तरह के अगर आपको आते हैं बनाने सो यू कुड यूज इट इन इनफॉर्मल ई मेल तो यहाँ पर आपके पास जाते हैं शॉर्ट फॉर्म्स या कंट्रैक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं अभी मैं आपको बताऊँगा कि कंट्रैक्शन की हमने बात की है यहाँ पर मैंने कुछ इस्तेमाल भी किए हैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस जिसमें हम डॉट डॉट डॉट्स आगे आ, लगा देते हैं इनफॉर्मल फॉर्म्स टू फॉर्म्स ऑफ एड्रेस एड्रेस हम किसी भी तरह से इनफॉर्मल तरीके से दे सकते हैं and the first name we could also use the first name so let's begin with the email मैं आपको इसको explain करता hu बेहतर तरीके से, so that you could have the very fine understanding of writing an email अच्छा, yahan पर इसके दो formats hote hain मोस्टली स्टूडेंट्स इसको देख के शायद थोड़े से कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए अदरवाइज यू डोंट हैव टू बी कन्फ्यूज सबसे पहली बात तो आपने घबराना नहीं है और दूसरी बात यह है कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है टू सब्जेक्ट टू के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट है मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ा होगा फ्रॉम टू देन सब्जेक्ट ओके वो भी एक तरीका होता है वो वो मैं आप, आप अभी आपको बताता हूं यहां पर आ, वो आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं चूंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम थी यहाँ पर स्पेस इतनी नहीं थी तो मैंने इसे इस फॉर्मेट में इस स्टाइल में मैंने इसको यहां पर लिखा है अगर आप इसी स्टाइल को कॉपी करके अपने एग्जाम में लिखते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई एग्जामिनर आपके मार्क्स डिडक्ट uh, करेगा या आपकी कोई किसी भी तरह किसी भी किस्म की पिनलाइजेशन होगी सो दोनों किस्म के फॉर्मेट्स uh, आप चला सकते हैं फॉर एग्जाम्पल uh, ये फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मेट जो है अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ अभी आप जी का अकाउंट अपना ओपन करें याहू या का अकाउंट ओपन करें या जो भी ईमेल आप यूज करते हैं उसमें जब आप कंपोज ईमेल पे या न्यू ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सिर्फ टू आएगा या आपके पास सब्जेक्ट लाइन आएगी टू के बाद फ़ौरन सब्जेक्ट लिखा होता है उसके बाद आप फिर सेल्यूटेशन लगा के अपना पूरा मैटर शुरू करते हैं अब मैं अगर बात करता हूं आ, रिसीवर की तो रिसीवर के पास किस तरह से ईमेल अपेयर होती है सबसे पहले तो उसमें लिखा होता है फ्रॉम ठीक है फ्रॉम के अंदर अगर आप नाम देना चाहें अपना दे सकते हैं अगर आप नाम नहीं देना चाहते ना दें ठीक है क्योंकि ये एकेडमिक राइटिंग है इसमें अगर आप चाहते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि एग्जाम्स में आपको एक शर्त लगाई जाती है कि आप अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे तो वहां पर आप अपना नाम लिख लें या सपोजिड नेम लिख लें जैसे कि मैंने यहां पर एक सपोजिड नेम लिया है ठीक है अब यहां पर देखें आप कि मैंने लिखा है फ्रॉम फ्रॉम किसकी तरफ से ज़ाहिर सी बात है आप लिख रहे हैं तो आपकी तरफ से फाइन यू विल बी राइटिंग योर ई मेल फिर फ्रॉम के बाद आ जाता है टू ये रहा यहां पर टू ठीक है टू के बाद आपके पास आता है सी सी सीसी के बाद आपके पास आता है डेट ठीक है डेट के बाद आ जाता है आपके पास लास्ट में सब्जेक्ट तो ये आप डेट लगा दें उसके बाद सब्जेक्ट लगा दें जो सब्जेक्ट से तो यहां से मैंने शुरू किया उसके बाद इसके नीचे आपके पास यहां सैल्यूटेशन है सैल्यूटेशन के बाद आपके पास ये पूरा मैटर शुरू है आपके लिए ठीक है अब यहां पर एक चीज समझना बहुत जरूरी है फाइन मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि फ्रॉम टू इनके बीच में एक एक लाइन का स्पेस अगर आप रखते हैं तो ठीक है अगर नहीं भी देते को, कोई डिडक्शन नहीं है इसके ऊपर आपके लिए ठीक है आप इसमें अगर एक लाइन का स्पेस रखते हैं लाइक like फ्रॉम के बाद वन लाइन स्पेस टू के बाद फिर वन लाइन स्पेस फिर फिर टू के बाद सीसी है सीसी के बाद वन लाइन स्पेस डेट के बाद वन लाइन स्पेस एंड देन सब्जेक्ट के बाद वन लाइन स्पेस सब्जेक्ट के बाद वन लाइन स्पेस एंड देन यू हैव द दैल्यूटेशन इसके बाद वन लाइन स्पेस सो आई डोंट थिंक कि इसमें अगर Uh, आप दे देंगे तो बेहतर है नहीं देंगे इस पूरे में फ्रॉम से लेकर सब्जेक्ट में अगर आप स्पेस नहीं डालेंगे तो आपकी कोई डिडक्शन नहीं होनी है अगर आप लगा सकते हैं फ्रॉम से डेट तक आप इसको बिल्कुल पैक विदाउट स्पेस लिख सकते हैं लेकिन सब्जेक्ट में आई वुड रिकमेंड कि आप सब्जेक्ट में एंड सैल्यूटेशन में स्पेस दें ठीक है सो दैट यू विल हैव अ वेरी गुड वेरी फाइन वेरी रिफाइंड स्टाइल ऑफ राइटिंग पीस ऑफ पेपर ठीक है इन योर एग्जामिनेशन अब हम चलते हैं कि हमें इसको शुरू कैसे करना है अच्छा यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो यहाँ पर मैंने टू लिखा है टू में क्या है कि एक स्लैश देके मैंने जी मेल की आई लिखी है जी के साथ या तो मैंने जॉन जॉन विक यहां पर एक मैंने सपोजिट नेम लिखा है ये मेरा दोस्त है तो मैं उसको दोस्त दिखाना चाहता हूँ जॉन जॉन विक फाइन सो तो अब आप देख सकते हैं कि एक्स वाई जेट जी मेल डॉट कॉम आप लिखें या आप उसका एक सपोजिट नेम लिखें दोनों एक्सेप्टेबल हैं कोई मार्क्स रिडक्शन नहीं होगी ठीक है अब उसके बाद आपका आता है वन लाइन स्पेस उसके बाद आपका है सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो कि आपका वेरी वेरी स्पेसिफिक वेरी शॉर्ट होना चाहिए सब्जेक्ट ऐसा नहीं हो कि आप पूरी एक लाइनर दास्तान लिख दें देंट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क डेफिनेटली यूल हैव टू फेस द डिडक्शन ठीक है डिडक्शन होगी आपकी एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं एग्जामिनर आपको थोड़ा स्ट्रिक्टली डील कर सकता है तो कीप इन माइंड के जो सब्जेक्ट लाइन है सब्जेक्ट लाइन टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक जैसे कि यहां लिखा है गुड ईटिंग प्लेसेस सजेशन फॉर गुड ईटिंग प्लेसेस फाइन सम एडवाइसेस फॉर यू सम इंपॉर्टेंट एडवाइसेस फॉर यू फाइन सो यू कुड चूज टू राइट अ वेरी स्मॉल एंड स्पेसिफिक वन लाइनर और टू थ्री वर्ड्स फोर वर्ड्स सब्जेक्ट उसके बाद हमारे पास है तो जैसे कि यहां पर एक सेल्यूटेशन दिया हुआ है हेलो जॉन हाय जॉन डियर जॉन कुछ भी हो सकता है लाइक लाइक यू कैन ऑल्सो हैव द जनरल ग्रीटिंग्स इन योर फर्स्ट लैंग्वेज ओके देन यू कैन हैव द जनरल ग्रीटिंग्स स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर हाउ आर थिंग्स हाउ आर यू डूइंग ठीक है अब पहले पैराग्राफ में ना ये जो छोटी सी पहला था पैराग्राफ जो लिखा है uh, एक वेरी शॉर्ट स्मॉल स्पेसिफिक इसमें हमने बताना है कि आपने लेटर uh, आपको मिला आपको खुशी हुई एंड देन यू आर एक्नोलिजिंग इसमें बेसिकली एक्नोलिजमेंट देनी है इसमें जनरल ग्रीटिंग्स करनी है और एक्नोलिजमेंट देनी है आप कैसे देनी है अच्छा सेल्यूटेशन के बाद आप एक लाइन का स्पेस दे दें बेहतर है उसके बाद आप शुरू करें विदाउट इंडेंटेशन क्योंकि ये ईमेल है ईमेल में कोई इंडेंटेशन नहीं लगाते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि हम विदाउट इंडेंटेशन इस्तेमाल करते हैं पूरी ईमेल को हाउ आर थिंग्स अभी एक जनरल ग्रीटिंग्स है जब भी मैंने इसको डिफरेंट कलर में दिया है आई अप्रिशिएट योर मैसेज ग्लैट टू हेयर यूर सेटलिंग इन वेव मतलब आप यहां पर सेटल हो रहे हैं अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंट्रैक्शन ये जो मैंने यहां बात की थी आपसे ये कंट्रेक्शन किस तरह से यहां पर इस्तेमाल हो रहा है यू आर यूर ठीक है ये इनफॉर्मल ईमेल में आप दे सकते हैं अदरवाइज फॉर्मल में अलाउड नहीं है आई रीड अब इसके बाद एक लाइन का स्पेस आप दे दें उसके बाद दूसरा पैराग्राफ यहां तक है आपका ये आपका दूसरा पैराग्राफ है एंड देन आफ्टर दिस पैराग्राफ आपका ये थर्ड पैराग्राफ है एंड देन क्लोजिंग पैराग्राफ क्या है वो मैं इसके बाद आपको लिख कर बताता हूँ ठीक है uh, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर मैंने किस तरह से uh, इसे कंपोज किया है आई रीड योर ई मे एंड हैव अ कपल ऑफ सजेश फॉर यू अब यहाँ पर आप एक्नोलेजमेंट के बाद अब आप अपने मुद्दे पर आते हैं अपने पॉइंट पौ पर आते हैं पहला जो हमारा uh, मकसद है ये डिस्क्राइब वाला ठीक है अब डिस्क्राइब की तरफ आते हैं फिर एक्सप्लेन की तरफ भी आते हैं ठीक है और चूंकि मैंने यहां पर लिखा है कपल ऑफ अब ये माइंड में रखिएगा कि वहां पर आपसे सजेशन मांगी है जर्नल अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरा कोई क्वेश्चन है जिसमें वो कहता है कि अपने भाई को सजेस्ट करें कि वो किस तरह से स्पीडिंग की आदत को खत्म करें तो उसमें आप ईमेल करते हैं दो सजेशन करते हैं तीन करते हैं तो अकॉर्डिंगली आप उसके पैराग्राफ्स कंपोज करेंगे चूंकि यहां पर मैंने आपको कपल ऑफ लिखा है तो इसलिए मैं यहां पर दो रिकमेंडेशन दूंगा दो सजेशन दूंगा अगर मैं यहां पर लिखता आई हैव सममेंडेशन या सम सजेशन फॉर यू तो उसके लिए फिर मुझे अकॉर्डिंगली उसके पैराग्राफ देने पड़ते एक पैराग्राफ में एक सजेशन रिकमेंडेशन उसको डिस्क्राइब करना और उससे रैशनल देना एक मुनासिब तरीका होता है और फिर जब हम दूसरी सजेशन दे रहे हैं फिर उसका रैशनल उसका लॉजिक और उसे डिस्क्राइब करना हम जब दूसरे पैराग्राफ में देते हैं फिर तीसरा जो सजेशन है फिर उसको तीसरे में हम उस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह से हर एक पैराग्राफ का आइडिया डिफरेंट होगा हर एक पैराग्राफ में सजेशन डिफरेंट होगी तो अभी हम इसको पढ़ते हैं कपल ऑफ सजेशन फॉर यू फर्स्टली अब देखिए ट्रांजिशन भी इसमें इस्तेमाल है फर्स्टली आई आईड रिकमेंड अ लोकल प्लेस कॉल्ड जीरो कैफे अच्छा ये कोई ऐसे ही मैंने सपोजिट नाम लगाया है जीरो कैफे अब यहां पर मैंने पहली सज, प्लेस जो है वो रिकमेंड कर दी अब इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूं अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं इट इज ऑन ब्रिज स्ट्रीट एंड दे रियली सेल यमी बर्गर्स एंड वेराइटी ऑफ सैलेड्स वेराइटी ऑफ सैलड्स भी देते हैं और यमी बर्गर्स भी हैं उनके पास अच्छा उसके बाद जो है आ, अच्छा बर्गर की एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पर दिए तो काफ़ी सारे लोगों को बर्गर खाना बहुत पसंद होते हैं तो इसलिए इट्स कूल एंड नॉट द स्मार्टेस्ट प्लेस यू हैव एवर सीन बट द फूड इज वाओ अब यहाँ देख सकते हैं जो मैंने आपको कहा था कि आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल इनफॉर्मल राइटिंग में सो इट इज़ ऑल अलाउड अब ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया इसमें आपने सजेशन भी दे दी एक्सप्लेन भी कर दिया रिकमेंड भी कर दिया और डिस्क्राइब भी कर दिया ये मैंने देखे सजेशन यहाँ पे दे रियली सेल यमी बर्गर्स एंड वाइटी ऑफ सेले ठीक है तो ये मज़ीद इसकी आ, बारे में इसकी एक्सप्लेनेशन भी है इसको डिस्क्राइब भी किया जा रहा है ये डिस्क्रिप्शन है आगे इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है ठीक है अब दूसरा एक लाइन छोड़ दें फिर सेकेंड पैराग्राफ थर्ड मतलब ओवरऑल थर्ड वैसे बॉडी में सेकेंड पैराग्राफ की तरफ आ जाए एंड ऑप्शन एज कबाबजी इट्स द चीपेस्ट प्लेस टू गेट ऑल काइंड ऑफ एशियन डिशेस अब आप इसको कबाब जी आपने रिकमेंड किया उसके बाद आप इसको डिस्क्राइब करें अब एक्सप्लेन करेंगे ठीक है सो इट्स ऑलवेज पैड एंड नॉइजी मतलब हमेशा उस पर रश रहता है एंड आई रिकमेंड द स्पाइसी नूडल्स ओवेदेयर कबाब जी बहुत सस्ता है <laughs> लेकिन uh, जो कि आई थिंक जो कि नहीं है एंड वॉट यूर रिकमेंडिंग यूर रिकमेंडिंग द नूडल्स टू हैव टू टू गोदेर एंड द नूडल्स अच्छा ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है जिस सीरियस नहीं लीजिएगा यू जस्ट ट्राई टू हैव द नोटिंगज इन योर रजिस्टर और इन योर नोटबुक ताकि आपको इसमें बहुत अच्छे से समझ आए और इसमें कुछ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और जो रिकमेंड ये जो फ्रेजेस मैंने इसमें इस्तेमाल किए हैं आ रिकमेंड या यहाँ पर एक और मैंने फ्रेज द रिली सेल यमी एंड आई वुड रिकमेंड आई वुड लाइक टू रिकमेंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट फाइन तो इस तरह से आपने फ्रेजेस का इस्तेमाल करना है एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करना है इन ऑर्डर टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एंड feasible. तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्लोजिंग की तरफ अब अब हम इसकी बात करेंगे अब हम क्लोजिंग की बात करेंगे So let's move on to the closing part. All right, so here we have the last and the closing paragraph, as you could see, के ट्रेडिशनल तरीके में भी हम इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल हम कंक्लूड कैसे करते हैं नॉर्मली के होप वी विल बी मीनिंग सोन और मे बी प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर फैमिली टू योर मदर टू योर फादर तो वो एक ट्रेडिशनल तरीका है उसको कंक्लूड करने का सो so, अब एक यहाँ पर मैंने एक और तरीका एक यहाँ पर मैंशन किया है सो दैट यू कूड ऑल्सो एडॉप्टिड और लिख सकते हैं आप, आपका जो कंक्लूजन है कंक्लूडिंग पैराग्राफ है वो आपके थीम से डिफरेंट नहीं होना चाहिए तो यू शुड बी टॉकिंग विद इन द फ्रेम फॉर एग्जाम्पल वी मीट अप सून एंड ट्राई सम प्लेसेज आउट टूगेदर साथ हम कोई भी प्लेसेस uh, ट्राई uh, कर सकते हैं फॉर ईटिंग पर्पज लेट मी नो वेन यूर फ्री एंड वी कैन मीट अप इन टाउन तो एक बहुत अच्छे तरीके से इसने क्लोज कर दिया शुरू में इसने ग्रीटिंग्स की उसके बाद सजेशंस की रिकमेंडेशन दी वन देन रिकमेंडेशन टू चूंकि दो रिकमेंडेशन उसने uh, uh, पहले पैराग्राफ में मैंशन की थी अब लास्ट में कंक्लूजन के बाद वन लाइन स्पेस और फिर इसको बेहतर तरीके से कंक्लूड कर दिया वन लाइन स्पेस उसके बाद है हमारा क्लोजिंग स्टेटमेंट अब क्लोजिंग स्टेटमेंट लाइक होपिंग टू हेयर फ्रॉम यू सोन फाइन लाइक इन फॉर्मल लेटर्स में जो होता है लुकिंग फॉरवर्ड टू हेयर यू हेयरिंग फ्रॉम यू अब यहाँ पर है जो कि इनफॉर्मल ई मेल है इनफॉर्मल में आप दे सकते हैं इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस हैव अ गुड वीकेंड हैव अ नाइस डे अ वंडरफुल पार्टी have a great dining over there okay so closing statement ho sakta hai uske baad ek line ka space uske baad hai hamara complimentary close ab complimentary close best wishes with love lots of love like all the best likewise aur ek line ka space dene ke baad after a line space you could give your name your first name maybe agar aapke examination mein restriction hai aap naam nahi de sakte hain so you could go for abc xyz p q r s t u v w